आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इंटीग्रेशंस के. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन दैट 3x अपॉन 3x माइनस 1 dx. सो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हम न्यूमरेटर में माइनस वन और प्लस वन करेंगे. ओके फिर 3x-1 + 1 अपॉन 3x-1 dx. फिर हम इसे अलग अलग कर देंगे. ये डिनोमिनेटर 3x-1 को मिल जाएगा और प्लस 1 अपॉन 3x-1 dx मिल जाएगा. यहां पर 3x-1 से 3x-1 कैंसिल होके 1 ऑफ dx + 1 अपॉन 3x-1 dx हो जाएगा. ओके और फिर हमें पता है कि डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x और प्लस 1 अपॉन x. 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x. और आप देखिए यहां पर जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है और डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन की जगह पर एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पर x की जगह पर 3x-1 होता था तो हम 3x-1 का फिर से डिफरेंशिएशन करते थे. यहां इंटीग्रेशन के केस में भी डिफरेंशिएशन ही होगा लेकिन यहां डिनोमिनेटर में होगा. सो आप देखिए यहां हो जाएगा d/dx(3x-1) और जैसे ही आपने इंटीग्रेशन का साइन हटाया वैसे ही आपको एक c ऐड करना होगा इसमें जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं. देखिए यहां पर x प्लस log(3x-1) / d/dx(3x). जब आप डिनोमिनेटर में d/dx(3x) करेंगे तो वह आ जाएगा 3. यानी आपको यह ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन के केस में अगर चेन रूल लगता था तो हम वहीं फंक्शन के इनटू में ही फिर से डिफरेंशिएशन कर देते थे लेकिन यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा. और यहां पर हमने जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो है d/dx(x) क्योंकि होता है 1 इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx वो होता है log x + c. ओके ये फॉर्मूले हमने यूज किए हैं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x / sin² x dx. अब यहां पर देखिए आप क्या करेंगे. आपको इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला यहां हम अप्लाई कर सकें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को तो हम बाहर ले लेंगे और यहां पर cos x / sin x (1/sin x) लिख देंगे इसको. सो ये हो जाएगा cos x / sin x हो जाएगा cot x और 1/sin x हो जाएगा cosec x.
अब क्योंकि आप यहां पर देखिए, हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होता था वो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता था, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसलिए जब आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स निकालोगे, जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, ये माइनस साइन यहां लग जाएगा। तो इसलिए आप इस इंटीग्रेशन को माइनस कॉसेक एक्स लिख सकते हो। सो 2 × −cosec x हो जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही हटता है वैसे ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है, और ये जरूरी है। अगर आपने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी −2cosec x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 2x प्लस 2 sin² x अपॉन cos² x dx। अब यहां पर फिर से वही क्वेश्चन है कि एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है कि हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं। तो आपको 11th से एक फॉर्मूला याद है और वो है cos 2x = 1 − 2 sin² x। सो यहाँ cos 2x की जगह पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो इट वुड बी 1 − 2 sin² x प्लस 2 sin² x अपॉन cos² x dx। यहाँ 2 sin² x से 2 sin² x कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है 1 upon cos² x dx, 1 upon cos² x dx हो जाता है sec² x dx। अब आप देखिए, डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है sec² x। तो अगर हम sec² x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो होगा 10x। ओके, इसलिए हम यहां पर sec² x का इंटीग्रेशन लिखेंगे 10x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 − sin x अपॉन cos² x dx, इसे हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले के फॉर्म में आए। सो हम इसे लिख सकते हैं 1 upon cos² x dx −sin x अपॉन cos² x dx। फिर हम 1 upon cos² x को लिख देते हैं sec² x dx, जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया, और इसे हम लिख सकते हैं sin x upon cos x × 1 upon cos x dx। sec² x dx को एज इट इज लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x upon cos x हो जाता है 10x × 1 upon cos x हो जाता है sec x dx। अब देखिए, इस स्टेप पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ 10x होता है sec² x। सो इंटीग्रेशन ऑफ
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा टेन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स होता है sec एक्स टेन एक्स, देयरफोर sec एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec एक्स. सो यहां से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस sec x tan x dx को हम लिख सकते हैं sec x और प्लस c. अब आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप मैंने नहीं लिखी, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये एक डिफरेंट इंटीग्रेशन है और ये एक डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो इन दोनों के डिफरेंट इंटीग्रेशन से इसके पहले एक लाइन ऐसी बनना थी tan x प्लस c1 माइनस sec x प्लस c2, क्योंकि दो इंटीग्रेशन हैं, दो फंक्शन के इंटीग्रेशन हैं, तो दोनों के अलग अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होंगे, लेकिन हमें इतने सारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, क्योंकि अगर चार फंक्शंस होंगे, पांच फंक्शंस होंगे प्लस या माइनस साइन के साथ, तो हम इतने सारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, हम उन सभी को कंबाइन करके और सिर्फ एक कैपिटल सी लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनल आंसर में.